alaikum everyone. 26 October 2021 Faisal Hills A और B ब्लॉक के संगम में. ये देखिए B ब्लॉक की गलियां भी स्पॉट होना शुरू हो गई. देख रहे हैं ये चारकोल के ड्रम गरम किए जा रहे हैं, बिल्कुल रेडी फॉर स्पॉट. ये देखें ये सारी रोड उन्होंने गलियां वलियां सारी बेस सब बेस डालने के बाद ये तारकोल शुरू कर दिया है. और वो सामने मशीनरी देखें ये जी ब्लॉक का जैसे 54 फुट रोड भी आधे से ज़्यादा हो गया, मशीनरी यहाँ तक पहुँच गई है. ये देख रहे हैं ये देखें ये वाली रोड देख रही है, ये तारकोल हो गई 254 फुट रोड स्पॉट हो गई है ए से बी ब्लॉक की तरफ जो जा रही है और आगे यहाँ तक पहुँच गए. ये गैस पाइपलाइन सारा कुछ ये आप लोगों के सामने है. बहुत तेज़ी से काम जारी है. चौधरी साहब से अभी मेरी 2-3 मिनट की मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा कि मेरा फुल कंसंट्रेशन फुल तवज्जो फैसल हिल और फैसल टाउन और हमारे सी स्क्वायर जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनकी कंप्लीशन पे है. जो डेवलपमेंट का काम रहता है वो हम कंप्लीट करेंगे. और फिर मैंने उनको कहा तो आप तो नए प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जब तक हम ये चीज़ें कंप्लीट नहीं करेंगे डेवलपमेंट फैसल हिल की और बाकी जितनी भी हमारी जगह है फैसल टाउन सी ब्लॉक की, तो तब तक हम नया प्रोजेक्ट नहीं लाएंगे. तो उन्होंने तो कहा है कि नया प्रोजेक्ट या C1 वगैरह जो भी है वो हम जल्दी नहीं लेके आएंगे. तो इस बात पे चौधरी साहब के पास कुछ मेहमान आ गए, हमारी बाकी बात ना हो सकी, लेकिन उन्होंने कहा कि 2-3 दिन के बाद मैं कोई मैसेज कन्वे करूँगा जिसमें शायद वो टाइम भी बता दें कि कितने टाइम तक हम प्रोजेक्ट नहीं लेके आएंगे. तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि आप नहीं है हमारे व्यूअर को, हमारे इन्वेस्टर को, हमारे कंसल्टेंट को कोई ऐसा टाइम फ्रेम बताएं कि उनको पता चले कि 6 महीने आप प्रोजेक्ट नहीं ला रहे हैं, 7 महीने नहीं ला रहे हैं, 8 महीने नहीं ला रहे हैं, 5 महीने नहीं ला रहे हैं. तो जिसकी वजह से उनका जो कंसर्न है हमारे व्यूअर इन्वेस्टर का जो बार बार पूछते हैं वो ज़रा दूर हो जाए और अपनी ट्रेडिंग वगैरह शुरू कर दें. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-3 दिन में चौधरी साहब से हमारी टाइम फिक्स हो गया है. वो इंशाल्लाह में एक इंटरव्यू देंगे, उसमें वो कंप्लीट मैसेज दे देंगे कि हम कितने महीने तक प्रोजेक्ट नहीं लेके आ रहे हैं. तो ये आज हमारी उनके साथ बात हुई थी. मैंने कहा चलो अपने व्यूअर को ये बात बता दूँ. मैं अभी फैसला